हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेव, आप सबके साथ में एक बार फिर से। आज ये वीडियो मैं बना रही हूं ज़मीन के ऊपर बैठ के, क्योंकि यही मुझे बेस्ट लाइटिंग मिल रही थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन से फ़र्क पड़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसा जो किसी भी चैनल ने आपको नहीं बताया है, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। मैं हमेशा, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन पूरी मेरे पास नहीं होती, मैं कभी देती नहीं हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ फ्लाई बिग एयरलाइन, जो इंडिया में लॉन्च होनी थी, अभी डिले पे है, लेकिन उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी वैकेंसीज डाली हुई हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होके बैठ गए हैं। तो आज आपको आईना दिखाऊंगी उसके पीछे का कि क्या हो सकता है, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपको वीडियो शुरुआत से पहले ये बता दूं, आपने नोटिस किया होगा मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, कैबिन टू लाइफ से ट्रैवल विद ममता। मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म अभी ट्रैवल विद ममता के नाम से ही हैं, आप मुझे हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है उससे रिलेटेड जो भी काम के पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वीडियो के डाल दूंगी, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। फ्लाई बिग एयरलाइन इंडिया में शुरू होनी थी, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई हैं, बहुत सारी कंपनीज पे बहुत सारा प्रभाव आया है, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और आपको एक बात बता दूं, एविएशन और ट्रैवल सेगमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अभी दिख रहा है हमें। हम खुद एयरलाइन स्टाफ हैं, हमें पता है कि हमारी कितनी फ़्लाइट्स इम्पैक्ट हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, और कितना स्टाफ आने वाले टाइम में शायद हो सकता है अपनी जॉब्स खो दे। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया है, बहुत सारी फॉरेन लैंड की एयरलाइंस है जिन्होंने 30% 40% स्टाफ कट करने के लिए ऑलरेडी अपने स्टाफ को बोला है, और उसके अलावा उन्होंने सैलरीज भी कम की हैं। तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ फ्लाई बिग एयरलाइन की बात करनी चाहिए मुझे, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सच्चाई से आप रूबरू रहिए कि अगर आने वाले टाइम में किसी भी एयरलाइन के इम्प्लॉयज़ की जॉब जाती है तो प्रेफरेंस हमेशा उनको दी जाती है किसी और एयरलाइन में। तो नई एयरलाइन कौन सी शुरू हो रही है वो आपको पता है, फ्लाई बिग एयरलाइन। और उन्होंने अपने पेज के ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की है कि अगर किसी कैबिन क्रू के पास एक्सपीरियंस है और वो हमारे पास आते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रेफरेंस उनको मिलेगी, फ्रेशर्स को नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बात मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो सिर्फ इस एक एयरलाइन के ऊपर अभी डिपेंड कर रहे हैं एज अ जॉब करियर। उनको लगता है कि लॉकडाउन खुलेगा, एयरलाइन लॉन्च हो जाएगी, मैं इसमें अप्लाई कर दूंगी, मेरी नौकरी पक्की है। तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, जो भी क्राइटेरिया वगैरह है उसको पढ़िए, अपने से मैच कीजिए, जिन चीज़ों की भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, फ़ोटोज़ तैयार कीजिए, जो चीज़ भी आपको सबमिट आने वाले टाइम में किसी भी जॉब में डेटा की ज़रूरत है उसको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ खाली एक जॉब के ऊपर, एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर डिपेंड होकर बैठे रहना और आगे कुछ ना करना, ये एक गलत डिसीजन होगा। ये बताने के लिए मैंने आपको वीडियो बताई है कि आपको कोई ना कोई अपना बैकअप लेके चलना चाहिए। अब वो बैकअप क्या हो सकता है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है, देखिए, एयरलाइन ने अभी लॉन्च होना था, लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के चक्कर में अगर वो डिले हो गई है तो वो फर्दर डिले होगी, क्योंकि अभी जितनी एयरलाइंस ऑलरेडी चल रही हैं वो भी एक पूरा साल, मैं आपको बता रही हूँ, अभी इतना बिजनेस नहीं कमा पाएंगी, क्योंकि हर चीज़ पैसे से जुड़ी है। बहुत सारे लोग जिनको अभी सैलरीज नहीं मिली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियाँ ताज़ी गई होंगी, या बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे कर्ज के नीचे दब गए होंगे कि वो आने वाले पूरे एक साल तक ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। तो इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, एयरलाइन इंडस्ट्री को। तो जो करंट एयरलाइंस ऑलरेडी चल रही हैं, अगर उनके पास ही बिजनेस नहीं होगा तो एक नई एयरलाइन ऐसे डिफिकल्ट टाइम में क्यों अपना पैसा खराब करने के लिए लॉन्च होगी। तो वो लोग भी अपना लॉन्च जो है आने वाले टाइम में डिले कर सकते हैं, ये चीज़ मेरा अंदाज़ा है, कहीं से गारंटी मैंने पढ़ा नहीं है, कोई इसकी प्रमाण नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा कहते हैं लगा के ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि हो सकता है कि ये एयरलाइन उतनी जल्दी लॉन्च ना हो, या इस डिफ़िकल्ट टाइम को निकलने के बाद ही एक अच्छे वक्त में ही वो लॉन्च करते हैं। जैसे हम यूट्यूबर्स भी होते हैं तो हम वीडियो तब अपनी रिलीज़ करना पसंद करते हैं जब ज़्यादा लोग इंटरनेट के ऊपर बैठते हैं, ये एक सोच होती है, ये पीछे का एक मैथमेटिक्स होता है। वैसे ही कोई भी एयरलाइन या कोई भी बिजनेस वाला तभी बिजनेस लॉन्च करेगा जब उसको प्रॉफिट नजर आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज बिजनेस और पैसे के साथ जुड़ी हुई है। अगर उनको बिजनेस नजर नहीं आएगा तो वे एयरलाइन लॉन्च क्यों करेंगे, तो ये एयरलाइन जो है हो जाएगी डिले। तो जो लोग
होली सोली इसके ऊपर ही अपना रख के बैठे थे ना कि हमें सिर्फ इस एयरलाइन में आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगी, तो उनको मैं ये बात बता दूं कि ये डिले भी हो सकता है। सेकेंडली, जरूरी नहीं है आपने तैयारी की है तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, तो आपने रखना है अपने पास एक बैकअप, कोई ना कोई बैकअप रखिए। आगे अगर आपने प्लस टू करके ही ये कह दिया कि नहीं अब मुझे प्लस टू मैंने कर लिया है, मुझे तो कैबिन क्रू जॉब करनी है, उसमें सिर्फ प्लस टू क्राइटेरिया है, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत डिसीजन होगा। आपको आगे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और इस जॉब के साथ साथ में कोई ना कोई एक या दो ऑप्शन अपने दिमाग में जरूर लेके चलिए कि अगर मुझे ये नौकरी में मेरी सिलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि अभी एक पूरा साल एविएशन का डिफिकल्ट जाएगा, शायद प्रेफरेंस मिल जाए किसी एक्सपीरियंस बंदे को, मुझे प्रेफरेंस ना मिले, तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये चीज सोचने की जरूरत है। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे फॉलोअर्स किसी गलत उसमें रह जाए सोच में, या अपने किसी एक ऐसे बबल को बना ले अपने माइंड में कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता, हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, सोचना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उस चीज को सिर्फ अपने मन में बिठा लेना कि यही मैंने नौकरी करनी है, मुझे मिलेगी ही मिलेगी, उस चक्कर में आप अपना वक्त बर्बाद कर लेंगे। जो वक्त अभी आपको मिला है उसको यूज कीजिए, पढ़िए, अपना बैकअप प्लान सोचिए कि अगर ये नौकरी नहीं तो और दूसरी नौकरी मैंने क्या करनी है, इस चीज़ को मद्देनजर जरूर रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। अभी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस के जरिए सुनना चाहते हैं फ्लाई बिग एयरलाइन के बारे में, आने वाले टाइम में उनका जॉब रोल क्या रहेगा, एक डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं, या किस तरह से हायरिंग होगी, क्या प्रोसेसेस होते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, तो मैं हैप्पीली इस जॉब के बारे में जो लोगों ने हायर करना है इन लोगों ने, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगी एक फ्रेशर्स के लिए, एक डिटेल्ड वीडियो के उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। तो ये सब आपके लिए प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये मैं हैप्पीली आपके लिए बनाना पसंद करूँगी। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा वीडियो के नीचे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, जो भी रिलेटेड आपके काम के वीडियो के लिंक होंगे वो मैं इस पर पोस्ट कर दूंगी, जो आपको काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, वाइजली सोचना बहुत ज़रूरी है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, लॉकडाउन का टाइम है, इसको पढ़ने लिखने में, अपना करियर प्लान करने में, एक बैकअप प्लान सोचने में भी लगाइए, खाली एक या दो एयरलाइंस के ऊपर ही मत रही। तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। बाय बाय।